मार्कोस जूनियर के राष्ट्रपति बनने से फिलीपींस में बहुत सारे लोग डरे सहमे हुए हैं। ये तब है जब मार्कोस जूनियर अपने विरोधी से दुगने वोटों से जीतकर राष्ट्रपति बने। लेकिन बोंग बोंग के नाम से मशहूर मार्कोस जूनियर के जीतते ही कहा जाने लगा कि फिलीपींस में मानवाधिकार के दिन लद गए, क्योंकि वहां की एक बड़ी आबादी का मानना है कि तानाशाह मार्कोस सीनियर के बेटे के कार्यकाल में हालात बद से बदतर हो जाएंगे। CNN ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया कि 9 मई को आए चुनाव के नतीजों से फिलीपींस सहमा हुआ है। मार्कोस जूनियर अपने विरोधी से 3 करोड़ वोटों से जीते हैं, लेकिन उन पर आरोप लगा कि उन्होंने चुनाव जीतने के लिए सोशल मीडिया पर झूठा प्रचार किया था। और इसी वजह से कहा जा रहा है कि तानाशाह के बेटे मार्कोस जूनियर भी वही कर सकते हैं जो उनके पिता ने अपने शासन में किया था। मार्कोस सीनियर ने फिलीपींस पर 21 साल तक राज किया था। और कहा जाता है कि उनके शासन के आधे समय में फिलीपींस में मार्शल लॉ लगा हुआ था। उन पर हजारों लोगों की हत्या करवाने और बेगुनाहों को जेल भेजने के आरोप भी लगे थे। इसी वजह से मार्कोस सीनियर को फिलीपींस का तानाशाह भी कहते हैं। फिलीपींस का बुद्धिजीवी वर्ग इसी वजह से डरा हुआ है। उनका कहना है कि मार्कोस परिवार की सत्ता में वापसी के बाद फिलीपींस में आम लोगों के मूल अधिकारों की धज्जियां उड़ जाएंगी। जबकि विवादों से दूर रहने वाले मार्कोस जूनियर ने लोगों को भरोसा दिया था कि वो देश को एकजुट रखेंगे। उनके राष्ट्रपति बनने के बाद बाइडेन और शी जिनपिंग दोनों ने उन्हें बधाई भी दी थी, क्योंकि समंदर में फिलीपींस की जो लोकेशन है वो उसे चीन और अमेरिका दोनों के लिए अहम बनाती है। हालांकि बीते दिनों खबर आई थी कि मार्कोस जूनियर का झुकाव चीन की तरफ है।